हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका आने वाला फेब्रुअरी मंथ कैसा रहेगा। गाइस, 2023 का जनवरी मंथ इतनी जल्दी चला गया कि कुछ पता ही नहीं लगा, है ना। आई एम श्योर आप सब लोगों के साथ में भी ऐसा ही हुआ है कि पता ही नहीं लगा कब नया साल आया और कब नए साल का जनवरी मंथ भी ख़त्म होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका फेब्रुअरी मंथ। ये एपी का कार्ड रीडिंग है गाइस, और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो आपके सिचुएशन के साथ मैच करेगी। तो आपके सामने तीन पाइल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस। पाइल नंबर वन है फोक इन द रोड, पाइल नंबर टू है फ्लेक्सिबल, और पाइल नंबर थ्री है टिकटॉक। तो तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं गाइस, जिसके भी साथ में आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो टाइम है मैं टाइम स्टैम्प में दे रही हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट रीडिंग पर जा सकते हैं। हेलो पाइल नंबर वन, आपने सेलेक्ट किया है ये कार्ड फॉक इन द रोड। मुझे लगता है गाइज इस वक्त जो है ये जो आपका टाइम चल रहा है कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आप लेना चाहते हैं जो आपके लाइफ को हो सकता है कि आपने अभी अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, आप जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर अगर जॉब करना चाहते हैं तो कौन से फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप इस वक्त तो कन्फ्यूज है, लेकिन किसी से आप सलाह लेंगे गाइज कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी गाइस कि जिससे भी आप सलाह कर लेना तो वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, जिन्हें एक्चुअली नॉलेज है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंस हो रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से सलाह ले सकते हैं जो बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं है, जो आपको मिसगाइड कर सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सबसे पहले एक ऐसे पर्सन से पूछिए जो वेल मैच्योर है, जिनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपके फील्ड को लेके, या फिर जो आपको करेक्टली गाइड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग, कैसा रहेगा आपका फेब्रुअरी मंथ। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स से कनेक्ट हो जाइए पाइल नंबर वन से, और मुझे गाइड कीजिए कि कैसा रहेगा इनका फेब्रुअरी मंथ। ओके, पेज ऑफ वैंड से रिवर्स में आया है गाइस, इसी बात का मुझे कंफर्मेशन लग रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से आप डिसीज़न यहाँ पे लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपके आसपास में ऐसे पर्सन हो जो जिन आपको थोड़ा सा मिसगाइड करे, है ना। किंग ऑफ कप्स, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे ना गाइस कि आपको अगर कोई सजेशन चाहिए या कोई राइट पाथ आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आपको मिल जाएगा गाइस। किंग ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है, एक प्रॉपर ग्रुप ही आपको मिलेगा गाइड करने के लिए। तो डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा सा सोच लीजिए, देख लीजिए कि कौन आपको राइट गाइड कर सकता है ना। द हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर जो साइंस आए हैं गाइज वो आए है फायर साइंस, यहाँ पर स्ट्रांग है एरिज लियो सैजिटेरियस, मतलब मेष सिंह और धनु राशि। इसी के साथ साथ यहाँ पर वाटर साइंस भी है पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर, मतलब मीन वृश्चिक और कर्क राशि। तो गाइज जहाँ जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट आपको सही पर्सन से आपको यहाँ पर सलाह लेना चाहिए, वही एक कन्फर्मेशन कार्ड यहाँ पर आया है। थोड़ा सा आपको गाइस प्लीज़ जो भी नॉइज़ आ रही है उसके लिए आप मुझे प्लीज़ एक्सक्यूज़ करें, क्योंकि आसपास में थोड़ा है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है डिफ़िकल्टी आपको आपका पाथ चूज़ करने के लिए, आपको आपका राइट चॉइस चूज़ करने के लिए यहाँ पे
थोड़ा सा डिफ़िकल्टी मुझे लग सकता है, लेकिन अगर आप राइट पीपल से मिलेंगे, जो राइट ग्रुप है आपके आसपास में, कोई ऐसा ग्रुप है गाइस जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है, कोई काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, कई काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड लोग हैं, तो अगर आप उनसे कनेक्ट करेंगे ना गाइस, आपका ये सारा जो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है या फिर यहाँ पर जितना भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वो सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएगा। तो आपको उस करेक्ट पर्सन से आपको कनेक्ट करना है। ये कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके घर में आप अक्सर जाते आते रहते हैं, कोई आपके रिलेटिव सिबलिंग्स ऐसे कोई हो सकते हैं। द हाई प्रेस्टेज की एनर्जी मुझे यहाँ पे बता रही है कि एक बार अगर आप इन राइट पर्सन से कनेक्ट हो गए ना गाइज, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी। एंड इसी के साथ साथ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है कि आप अभी भी स्ट्रेस में, और फेब्रुअरी में थोड़ा सा आप स्ट्रेस में रह सकते हैं। जो भी आपका करियर है, आपके जॉब या बिजनेस को लेकर है ना, थोड़ा सा आप स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, लेकिन इतना स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतना स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स भी है। एंड कहीं ना कहीं एक ऐसे है ना, जैसे लोगों के ब्लॉकेजेस होते हैं, कोई काम उनके पूरे वगैरह नहीं होते, तो ये चीज़ मुझे आपके अंदर में नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लॉकेजेस आपके अंदर में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके आसपास में। जस्ट थोड़ा सा आप जो स्ट्रेस ले रहे हैं वो अनवांटेड है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए एक अच्छा रास्ता खुल रहा है, एक अच्छा रास्ता आपके करियर को लेकर, आपके बिजनेस या जॉब को लेकर, या कोई भी अपॉर्चुनिटी, आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रैवलिंग वगैरह चाहते तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे आपके रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और रीडिंग हम देख लेते हैं गाइस। द एम्परर क्या है, इज एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक आपका है नाइट ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर जो साइंस आए हैं, यहाँ पे गाइज साइंस यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड इसी के साथ साथ पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर मतलब मीन, वृश्चिक और कर्क राशि, और इसी के साथ साथ एरिज, लियो, सैजिटेरियस मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। सो गाइज यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि घर पे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा किसी न किसी चीज़ को लेकर कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इनके जो बच्चे वगैरह है ना, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन देने का उनको ट्राई कर रहे हैं, जो प्रायर एजुकेशन होता है ना स्कूलिंग के पहले, वो एजुकेशन देने का आप ट्राई कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आप बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं, कोई सही आप उनको गाइडेंस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये एक चीज़ मुझे लग रही है। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई भी अगर ये देख रहा है तो वो पेट ट्रेनर भी है, या फिर उन्होंने अभी अभी शुरू किया है अपना पेट ट्रेनिंग का बिजनेस, है ना, जो हम एनिमल्स को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, उसमें भी मुझे कई लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट भी लग रहा है, और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि ये देख रहे हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन ही ये है। इसी के साथ साथ एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है गाइस कि कुछ आपने और कुछ सोच के रखा है अपनी लाइफ में, कुछ ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग इन द सेंस है ना, हो सकता है कि आप अपने विलेज में जाने के लिए सोच रहे हैं, या तो फिर कुछ ऐसी, काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपका जो गांव है ना, काफ़ी टाइम से आप वहाँ पर नहीं गए, वहाँ पर विजिट करते हुए आप मुझे फेब्रुअरी मंथ में नज़र आ रहे हैं। एंड ऑल्सो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड टेम्परेंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक बैलेंस आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अगर आप अभी तक नहीं थे, काफ़ी सारी चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ में मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फैमिली टाइम भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि आप किसी अपने विलेज में विजिट वगैरह कर रहे हैं ना, यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। किसी के साथ में आपका हो सकता है गेट टुगेदर हो जाए, किसी के साथ में एक मीटिंग हो जाए आफ्टर लॉन्ग टाइम। ऑल्सो आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को, कि क्या चीज़ें आपके अराउंड हो रही है, कौन कैसा, ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि आगे जाके आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने के लिए काम आएगा। ऑल्सो कोई मुझे मैसेज भी आपके पास में आते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है जिससे काफ़ी टाइम से नहीं मिले, वो भी आपके पास में विजिट कर सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा एक गेट टुगेदर लग रहा है, दो चीज़ें लग रही है, एक तो आप भी अपने किसी विलेज में या किसी आपके रिलेटिव के पास में आप विजिट करेंगे, ऑल्सो कोई बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का आपका फ्रेंड है या रिलेटिव है, वो भी आपके पास में मुझे यहाँ पे विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज़।
चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपके लिए है तो। हाउस ऑफ फ्लावर्स, डेफिनेटली गाइस, कुछ आप गेट टुगेदर करेंगे उसके साथ साथ जब भी आप मिलेंगे ना अपने रिलेटिव से या फिर कोई भी अगर आप अपने विलेज वगैरह में गए हैं गाइस, तो कुछ वहाँ पर है ना आप हो सकता है कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि आपका कोई हो सकता है फार्मिंग का बिजनेस वगैरह हो, बट उससे रिलेटेड भी घर में कुछ आप अलग एक बिजनेस का ट्राई करेंगे। कुछ हो सकता है कि कोई डेकोरेशन का, या फिर आपका घर जो है आप उसे रिनोवेट करना चाहते हैं, या फिर आपका घर वगैरह। कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप घर में ना काफ़ी ज़्यादा सजावट वगैरह कर रहे हैं, है ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें लग रही है। गेट टुगेदर भी है, फार्मिंग का भी मुझे यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं उसे एक प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल्सो एक नया बिजनेस आप में से कई लोग ऐसे शुरू करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ्लावरिंग से रिलेटेड, या फिर हो सकते हैं कि फ्लावर प्रिंट वगैरह कुछ ऐसा मुझे आपके घर में दिखाई दे रहा है। एक नई चीज़ की शुरुआत दिखाई दे रही है, एक नई चीज़ के लिए गेट टुगेदर दिखाई दे रहा है। ब्लेसिंग्स तो आपके पास में फेब्रुवरी मंथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। सेल्फ केयर के लिए हम मैसेज देख लेते हैं कि आपको खुद पर किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। ब्यूटी, तो गाइज अगर आप बिजी हैं अपने काम में, अपने एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, तो थोड़ा सा आप अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए। फेब्रुवरी में आप वैसे भी देने वाले हैं अपने बॉडी पर ध्यान। अगर आप लड़की है तो आप अपने बालों को ग्रूमिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है हो सकता है कि आप वेकेशन पे जाने के यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो वेकेशन में आपको अगर आपकी लाइफ इस वक्त स्ट्रेसफुल लग रही है, इस वक्त स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ अगर चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है वैकेशन के लिए कहीं पर आप आउट ऑफ द स्टेशन जा सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए मुझे लग रहा है आउट ऑफ द स्टेशन आप जा सकते हैं वैकेशन के लिए, एंड आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आपको एक पॉज टाइम मिलेगा, आपको खुद के बारे में सोचने के लिए यहाँ पे टाइम मिलेगा, है ना, आपके करियर के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप डीपली वहाँ पर सोच पाएंगे। ऑल्सो इमोशंस में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, स्पेशली अगर आप गर्ल्स बॉयज़ भी है तो आप अपने इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप ओवर इमोशनल यहाँ पे नहीं होंगे। तो चलिए गाइज आज हम ले लेंगे एंजल्स आंसर। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेकर तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा आपको आंसर। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछने के लिए, तब तक हम आंसर निकाल लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। रिकंसीडर, जो भी चीज़ें आप सोच रही है, जिस भी चीज़ के बारे में आपने क्वेश्चन किया है उसे एक बार आपको फिर से गो थ्रू करना है। कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ पे जो मिस हुई है, जिसकी वजह से अगर आप वापस से इसे आप रिप्लान करेंगे अपनी चीज़ों को, तो हो सकता है जो मिस हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको वापस से आप उसे कंसिडर कर लें, और जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो और अच्छे से हो जाए। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में फिर से आप सोचिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पॉइंट नंबर 1। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आपने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 2, फ्लेक्सिबल कार्ड। मुझे लगता है गाइस कि इस मंथ आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है, हो सकता है आपका जो वर्क प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। आप प्लीज़ इस साउंड को आप एक्सक्यूज़ कीजिए गाइस, क्योंकि आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड ये दिन भर चलता रहता है, तो प्लीज़ आप इस साउंड को एक्सक्यूज़ कीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर आप पर हो सकता है, या फिर अगर वर्क प्रेशर भी आपके पास में होने के साथ साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पर इतना ज़्यादा आपके काम आ जाएगा ना, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आपके वर्क के साथ या घर के काम के साथ। हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम आपको कभी वर्क को देना पड़े, कभी एक्स्ट्रा टाइम आपको घर वालों को देना पड़े, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर आपके मंथ में दिखाई दे रही है। फेब्रुवरी मंथ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन है या कुछ एक बड़ा ओकेजन आपने अपने आपके घर पे या आपके ऑफिस में, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं गाइस, कैसा रहेगा आपका फेब्रुवरी मंथ हम देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाइए और मुझे गाइड कीजिए इन्हें सही रीडिंग बताने के लिए।
कार्ड नंबर वन है द हेरोफेंट, एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है आपका फोर ऑफ वैंड्स। तो गाइज यहाँ पर जो आए हैं साइंस वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पे साइंस आए हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, एंड इसी के साथ साथ है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब ऋषभ, कन्या और मकर राशि। तो पहले बात तो ये गाइज मुझे एक ये लग रहा है आप एजुकेशन के सिलसिले में आपके आपका जो भी करियर है एजुकेशन के सिलसिले में आप मुझे ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब्रॉड में ट्रैवल कर सकते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट में वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाले टाइम में एक मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। ये जो ट्रैवलिंग आपकी होगी ये किसी डील को लेकर होगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई आपको काफ़ी अच्छी डील का आपको पता चला या वहाँ से आपको कुछ इन्विटेशन मिला है तो उस डील के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। ऑल्सो अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे इस डील को लेके ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा डील आपके लिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जिस भी मीटिंग में या जिस भी चीज़ के लिए आप अगर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपकी फ़ायदेमंद यहाँ पे डील दिखाई दे रही है। आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते यहाँ पे खोलेगी। ऑल्सो गाइज काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत किया है गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया है और अब इस वक्त अगर आप जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है इस प्रोजेक्ट पे काम करने का, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा आपका प्रोजेक्ट है, इसके बाद में आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका ऑलरेडी वेट कर रही है गाइज। तो आप वैसे भी बहुत अच्छे से पूरा मन लगा कर स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब एक साथ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आपको इसका बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। एक सक्सेस आपका यहाँ पे वेट कर रहा है गाइस। फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा इस प्रोजेक्ट का आपका जो रिजल्ट होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस इन एडवांस, मेरी बात आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाला है आपके इस प्रोजेक्ट के बाद में। अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं जिसमें भी आप अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या अगर आपका एजुकेशन चल रहा है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा उससे रिलेटेड करियर में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं और क्या है आपकी रीडिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स, कुछ सोच रहेगा इस, कुछ करना तो है आपको लेकिन आपका फाइनेंस आपको रोक रहा है इस वक्त, कुछ तो आपने सोच के रखा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सडन ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। सडनली हो सकता है आपको आपके किसी रिलेटिव के यहाँ या किसी के यहाँ पे मुझे आप ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, द टॉवर, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक। किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए अब हम रीडिंग कर लेते हैं। होप आपको सारे यहाँ पे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं गाइस, इसे हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर जो साइंस आया है गाइस यह है पेंटिकल्स, सॉरी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर आई है। इसी के साथ साथ पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन, वृश्चिक, कर्क राशि यहाँ पर आई है एंड ऑल्सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पर आई है। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है सडनली आपको प्लान करना पड़ सकता है, आपने ऑलरेडी कुछ और प्लान बनाए हुए हैं फेब्रुवरी मंथ के लिए। हो सकता है आपने कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए आपने प्लान बनाया हो या फिर कुछ अलग आपने प्लान बना के रखे थे जिसके लिए आपने सेविंग करना भी काफ़ी टाइम से शुरू कर दिया था, लेकिन सडन आपका कुछ ऐसा प्लान बन सकता है कि आपको आपका जो ऑलरेडी आपने प्लान्ड कोई प्लान करके रखा था, कोई ट्रैवल करके रखा था, वहाँ पर ना जाते हुए कहीं सडन आपकी रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के यहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है, है ना। ऐसा मुझे एक सडन ट्रैवल लग रहा है एंड गेट टुगेदर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है कि आप जिनसे भी मिलने के लिए जाए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ना गाइज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई सडनली ना ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी
चीज़ें हो जाए कि जिसकी वजह से अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, आप बिज़नेस भी कर रहे हैं, आपने प्लांट कोई लीव लेकर रखी, अगर आप जॉब कर रहे हैं प्लांट आपने कोई लीव लेकर रखी है ना, तो उसी दौरान उसी एक लीव के दौरान है ना, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 15 to 20 डेट्स की आपने कुछ लीव्स लेकर रखी है, उसी उस लीव्स उस पीरियड के दौरान कुछ ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर न जाते हुए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी आपके लीव्स जो प्लान है उसी में ही ये चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि कुछ तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपको ब्लेम करें, मुझे आपको ब्लेम करते हुए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें आप क्लियर नहीं है कि मिस्टेक आपकी है या मिस्टेक लोगों की है, लेकिन हाँ हो सकता है कि लोग आपको ब्लेम करें, लोग आपको बोले कि आपकी वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ गई है या कुछ हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप क्या करेंगे ना। मुझे यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए, आप अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों ने आपको बोला कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, तुम काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप इस टॉवर की तरह उस काम को छोड़ देंगे, ठीक है मेरी गलती है तो ठीक है, अब के आज के बाद में मैं इस काम को हाथ नहीं लगाऊंगा या इस काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। इस एनर्जी में मुझे अब एक सरकाज्म की, आप यहाँ पे स्माइल देख पा रहे हैं, आप मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर लोगों ने आपको गलती से भी कुछ बोल दिया तो अब मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि हाँ अब देख लो, अब तो हम काम नहीं करेंगे, अब आप ही संभाल लो। तो ये एक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। इसी तरह मुझे ये आपकी एक छोटी सी एक थोड़ी अग्रेशन की एनर्जी हम कह सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एनर्जी एक्शन में आप रहेंगे यहाँ पर। अपनी चीज़ों को कोई अगर आपको ब्लेम करेगा कुछ करेंगे तो आप उन्हें बिल्कुल गिरा देंगे अपनी चीज़ें कि हमने ये किए हैं वो किए हैं, इतने सारे काम किए हैं, इतना ज़्यादा आपकी हेल्प किए हैं। तो आप अभी फुल रेडी है अपनी चीज़ों को लोगों को बताने के लिए जो आपने किया है। अब वो सारी चीज़ें जो भी आपने मेहनत की है, जो भी चीज़ें आपने अपने ऑफिस के लिए, अपने घर वालों के लिए की है, वो सारी चीज़ें अब आप लोगों को गिनाना शुरू करेंगे, क्योंकि लोग अब आपके पास में आएंगे आपको ब्लेम करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा आप मुझे एक अग्रेशन मोड में दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक्स्ट्रा मैसेज हम आपके लिए ले लेते हैं गाइस। क्या है आपका एक्स्ट्रा मैसेज? नाइट राइड। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैवलिंग भी यहाँ पे चल रहा है, मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई ओवरनाइट ट्रैवल कुछ हो, वहाँ पर भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो प्लानिंग जो है, अधिकतर प्लानिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नाइट में कर रहे हैं, आप नाइट में प्लानिंग करना प्रीफर करते हैं, या फिर आने वाले टाइम में फेब्रुवरी में आप नाइट में ही आपके करियर प्लानिंग, आपके फैमिली प्लानिंग, जो भी आपको ट्रैवलिंग वगैरह जाना है, बच्चों के लिए वगैरह आपको सोचना है ना, वो सारी चीज़ें आप नाइट में प्रीफर करेंगे, एकदम शांति में वो प्लानिंग करना, ऐसा आप मुझे प्रीफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक्स्ट्रा मैसेज हम देख लेते हैं सेल्फ केयर के लिए, आपकी खुद की केयर के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। सेल्फ यहाँ पर देखिए सेल्फ आया है गाइस, खुद पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को अगर किसी लिमिटेशंस में बांध के रखा था, तो अब आप थोड़ा सा रिस्क लेके उस लिमिट्स को क्रॉस करना चाहेंगे। मतलब ये एक गुड वे में है, आपने शायद ऐसा सोच के रखा था कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, नहीं मैं इतना बड़ा ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी, है ना, कुछ चीज़ को खुद को आपने एक लिमिट में रखा था, लेकिन इस वक्त आप वो लिमिट से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। फेब्रुवरी में मुझे थोड़ा सा एक स्टेप आप लेते हुए खुद के लिए दिखाई दे रहे हैं, अपनी सेल्फ केयर सेल्फ हेल्प के लिए आप ये सारी चीज़ें मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आज हम ले लेंगे एंजल आंसर। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम देख लेते हैं फेब्रुवरी में उसका क्या होगा, क्या आंसर आपको मिलेगा फेब्रुवरी के लिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं गाइस। तो चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है। वेट, आपको सही टाइम का भी वेट करना है गाइस। जो भी जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस भी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा और आप रुक जाइए, राइट टाइम जब आपको आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी राइट टाइम आएगा आपको उसका एक हिंट भी मिल जाएगा आने वाले टाइम में। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, फेब्रुवरी में जो भी चीज़ों के लिए आपने सोचा है उसका मुझे कम्प्लीशन के यहाँ पर चांसेस नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, सही टाइम आएगा, आपकी चीज़ें अपने आप कम्प्लीट हो जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। प्लीज़ मेरा चैनल अब जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पाइल नंबर 3, स्वागत है आपका इस रीडिंग में। आपने सेलेक्ट किया है ये
कार्ड, टिकटॉक, काफ़ी ज़्यादा मैं आपके लिए डेडलाइंस यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। काफ़ी ज़्यादा आपने चीज़ें कुछ ऐसी शुरू की है जिसके डेडलाइंस मुझे फेब्रुवरी मंथ में दिखाई दे रही है। एनी हाउ आपको फेब्रुवरी के एंड तक आपके चीज़ों को कंप्लीट करना है। कुछ भी हो सकता है ये काम गाइस। मेरे घर के पास में ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये जो भी साउंड आ रहा है प्लीज़ आप मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए इन सब साउंड के लिए। ये दिन भर चलता रहता है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिए इस साउंड के लिए। तो गाइज़ ये मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू डिले हो रहा है, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया लेकिन अभी तक कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। हाउस कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन है ना कुछ, तो ऐसा मुझे लग रहा है। आपका ऑफिस कंस्ट्रक्शन वो काफ़ी टाइम से बस चली रहा है लेकिन अब आपको, आपने डिसाइड किया कि फेब्रुवरी मंथ में आपको ये सारी चीज़ों को अब कंप्लीट करना है। तो ये मुझे एक टाइम लाइन यहाँ पे एक दिखाई दे रही है कि आपने बस डिसाइड करके रखा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर है गाइस। काफ़ी सारी मुझे आपका फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो हो सकता है घर के आसपास में कहीं आप एग्जीबिशन वगैरह में जाए, है ना, ये मुझे एक लग रहा है। ऑल्सो हो सकता है कि आपने अपने घर के आसपास में या फिर अपने घर पे ही कोई गार्डनिंग का काम आपने शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा पौधे वगैरह आपने लगाए हैं, थोड़ा सा नेचर से क्लोज आप मुझे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑल्सो कुछ पानी से रिलेटेड भी काम मुझे यहाँ पे आप अपने घर पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। एट ऑफ फैंस, हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक हम ले लेते हैं द टावर का हम क्लैरिफिकेशन यहाँ पे ले लेते हैं गाइस। क्या है टावर का क्लैरिफिकेशन? ओके, द स्टार। तो चलिए हम यहाँ पे रीडिंग शुरू कर लेते हैं। एट ऑफ वैंड्स, द टावर और द स्टार। एक, दो, तीन, पांच मैंने आपके कार्ड्स निकाले हैं गाइज, एंड पांच में से यहाँ पे तीन मेजर अरकाना आए हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, सबसे पहली बात तो मुझे लग रहा है कि घर में आपने कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह आपने यहाँ पे शुरू किया है। गार्डनिंग से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर बच्चों के लिए कुछ हो सकता है, छोटा सा गार्डन आपने बनाने का प्लान किया है ना। आपके घर को आप ग्रूम कर रहे हैं, ग्रीनरी आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी से भरते हुए आपका घर दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो कुछ पानी से भी रिलेटेड आपके घर पर काम हो रहा है। हो सकता है कि आपको हम पानी की जो टैंक रखते हैं ना ऊपर में, वो आप चेंज कर ले, या फिर हो सकता है कि छोटी टैंक है तो एक और टैंक आप लगवा ले। मुझे पानी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है कि आप अपना घर में है वो वॉशिंग कर ले, है ना, हम जो जैसे वाइट वॉशिंग वगैरह बोलते हैं ऐसा कुछ आप कर ले। ऑल्सो एट ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है गाइज कि आपको ना थोड़ा सा घर से बाहर बार बार जाना पड़ सकता है, है ना, दिन में एक बार या दो दिन में एक बार आपको बार बार जाना पड़ सकता है किसी न किसी हाउसहोल्ड से की चीज़ों को लेते हुए। कुछ भी जो घर में है किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत आपको बार बार पड़ रही है, बार बार आपको ट्रैवलिंग में मुझे यहाँ पे जाते हुए दिखाई देना पड़ रहा है। द टावर और द स्टार की एनर्जी मुझे बता रही है गाइस कि इस फेब्रुवरी मंथ में जो भी आप कर रहे हैं आपके घर पे ना या आपके फैमिली में, ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके लिए लेके, एक पॉजिटिव वे में चेंज आपका लेकर आने वाला है। लेकिन ये अब सारा मंथ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा मंथ आपका ना इसी में ही जाने वाला है, कंस्ट्रक्शन या फिर घर की चीज़ों को ठीक करना, है ना। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके घर पे विजिटिंग हो सकती है, कुछ गेस्ट वगैरह की स्टार्टिंग में मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लग रही है कि किसी की विजिटिंग हो सकती है आपके घर पे। बट घर को लेकर इस वक्त मुझे आप बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी आपके अंदर आई है, मुझे ये दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है आपने नया घर चेंज किया हो, उसके लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके घर को लेकर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग थोड़ा सा घर के कर्टन्स वगैरह पर भी ध्यान देंगे कि कर्टन्स आप चेंज करेंगे, या फिर अगर काफ़ी बड़े कर्टन्स हैं आपके यहाँ पे से वॉशिंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप चेंज ही करेंगे आपके घर के कर्टन्स एंड ऑल। ऑल्सो वो जो हम करते हैं ना, जो रेडियम वाले देखिए मून होते हैं, स्टार्स होते हैं, हम लगाते हैं बच्चों के लिए, उसका भी प्लानिंग मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बच्चों के लिए, आपके रूम के लिए कुछ तो ऐसा आप स्पेस से रिलेटेड डेकोरेशन आप अपने घर के लिए करेंगे। चलिए देख लेते हैं करियर में क्या रहेगा गाइज। यहाँ पर जो साइंस आया है, सॉरी मैंने साइंस नहीं बताया, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन, वृश्चिक और कर्क राशि यहाँ पर आई है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर आए हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि।
चलिए करियर में देख लेते हैं क्या रहेगा आपका करियर, कैसा रहेगा आपका करियर फेब्रुअरी मंथ में। क्वीन ऑफ फैंस, वाओ, एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल मुझे यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये रोल भी आपको ना गाइज आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत से, और ऑल्सो कोई आपके साथ में है, द वर्ल्ड का भी कार्ड आया, कोई आपके साथ में ऐसा है गाइज कि जिसने आपकी मेहनत को देखा है एंड उसकी भी प्रेयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आई है, उसने प्रेयर किया है कहते हैं, या फिर कह सकते हैं हम, या तो फिर हो सकता है कि आपकी जो मेहनत है उसने उस मेहनत को आपके सुपरवाइज़र तक पहुँचाया है, या आपके कलीग होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, द वर्ल्ड कार्ड, और इमिडिएटली वर्ल्ड कार्ड के बाद में यहाँ पे आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ा आपके करियर में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की भी यहाँ पे एनर्जी आ गई है। देखिए गाइस एक बड़ा चेंज तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक बड़ा चेंज तो आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, लेकिन इस चेंज के साथ साथ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है ना, पहले मैं आपको साइंस यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो आए हैं एरिस लियो सेजिटेरियस, मतलब मेष सिंह और धनु राशि यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर आए हैं लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, मतलब तुला कुंभ और मिथुन राशि यहाँ पर आए हैं, और आए हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ कन्या और मकर राशि यहाँ पर आए हैं। तो गाइज़ सबसे पहली बात तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन आपके करियर में, आपको एक बहुत अच्छी एक रोल मिलने वाला है, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन आपको मिलने वाली है आपके करियर में। ऑल्सो गाइज मेरे घर के पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लीज़ आप मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए इस ना साउंड के लिए, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, दिन भर काम चलता रहता है, बट क्या करें, अभी रीडिंग तो करना है। तो द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है एक मेजर चेंज आ रहा है आपके पास में, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी यहाँ पे आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ा एक रोल, हो सकता है आपका रोल चेंज हो जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन प्रमोशन के साथ साथ ना गाइज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो आपके पीछे में आपके बारे में बात करेंगे, आपके पीछे में आपके बारे में कह सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल भी आप उन पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। लेकिन आपको पता तो चलेगा कि कोई तो ऐसा है जो आपके पीठ पीछे बात कर रहा है आपके बारे में, ये सारी चीज़ें तो आपको आने वाले टाइम में फेब्रुअरी में स्पेशली ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि आप भी किसी को एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, हो सकता है कि आप किसी को गाइड करें, हो सकता है कि आप किसी को अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने ही साथ में उन्हें आप जॉब या बिज़नेस के लिए इनकरेज करें, किसी को आप मुझे ऑफ़र देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उनके करियर से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपके लिए है तो। मोमेंट्स लव यहाँ पर आया है गाइज, एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके करियर में भी मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है और आपके पर्सनल लाइफ में भी। हो सकता है कि अगर आप कोई सही मैच ढूंढ रहे अपनी शादी के लिए ना, तो आपको सही मैच आने वाले टाइम में मिल जाए, बट ये जो मैच है हो सकता है डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट कल्चर से आपके बिलोंग करते हो, है ना, या फिर डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हो, बट ये जो भी आपको मिलेंगे आपके सोलमेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी मिस्टीरियस हो गए गाइस, जो भी आपके पार्टनर होंगे ना जो आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में, काफ़ी ज़्यादा मुझे मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हैं, आप काफ़ी कुछ उनके बारे में जानना चाहेंगे लेकिन वो थोड़ा मिस्ट्री में ही रहेगी चीज़ें, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फेब्रुअरी मंथ के लिए। चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपके सेल्फ केयर के लिए कुछ है तो वो भी हम देख लेते हैं। पीस की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीशन रहेगी, कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप एक चैन की सांस मुझे फेब्रुअरी मंथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती है गाइस कि किसी के साथ में आपके जो दोस्त है, सिबलिंग्स है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेगी जो आपको थोड़ा सा अपसेट करेगी, किसी के हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी के जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, तो ऐसा है ना, मुझे थोड़ा सा आपको एक ये चीज़ें अपसेट कर सकती है, कुछ ऐसी न्यूज़ आपको पता चलेगी। तो एंजल आंसर हम ले लेते हैं गाइस, कोई भी एक क्वेश्चन आप सोच लीजिए अपने मन में तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि फेब्रुअरी मंथ में उसका क्या आंसर रहेगा, क्या चीज़ें होगी उस सिचुएशन से रिलेटेड।
आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है आपका आंसर, चलिए देख लेते हैं। रिकंसिडर गाइज, रिकंसिडर है ना आपका पाइल नंबर वन में भी आया था, तो अगर आपके पास में टाइम है तो आप पाइल नंबर वन भी देख सकते हैं। तो जो भी आपकी प्लानिंग है गाइज, आपको उसको एक बार रिकंसिडर करना है। एंड हो सकता है चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपसे मिस हो गई हो, कुछ ऐसे एक्शंस आपसे मिस हो गए हो मुझे ऐसा लग रहा है। एंड वो चीज़ें आपकी कैसी ना कैसे मिस हुई होगी कि आपने ना सारी प्लानिंग तो कर ली है लेकिन वो चीज़ें ड्यूरिंग द प्लानिंग ओनली कुछ चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट हुई है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा, थोड़ा सा आप उसको रिकंसिडर कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।